स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 Academy पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातचीत आपके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि अभी क्या है, कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा बिजी हूँ। तो शायद मे बी चांसेज ये हैं कि आपकी क्लासेज, आपकी जो रेगुलर चल रही हैं 8 बजे, ये शायद ना मिल पाएँ। और मान के चलिए बहुत ज़्यादा 4 या 5 दिन की गैपिंग होगी, ठीक। तब तक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सजेशन ले लो, रिक्वेस्ट ले लो, एडवाइस कुछ भी आप समझ लेना। तो मेरी पहले क्लासेज आपने अगर नहीं देखी भाई, तो सारी क्लासेज मैंने अवेलेबल करा दी। जैसे आपकी प्रॉफिट लॉस चल रही है, लाभ हानि, तो ये मैंने पहले पढ़ा दी है। परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया है, CI SI मैंने पढ़ा दिया है ना, वर्क एंड टाइम पूरा पढ़ा दिया है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे पाइप एंड सिस्टम, ये पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। और क्या मैंने पढ़ा दिया है, मैथ्स की बात बता रहे भाई, क्योंकि हमेशा ये प्रचार नहीं करते, नहीं बताते क्या क्या पढ़ा है, आज आपको बता रहे हैं। और आपको पढ़ा दिया है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, नाव वगैरह इसी में रेलगाड़ी, सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, ठीक है। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चले जाइए प्लेलिस्ट में। अगर आप नहीं जानते तो पूछ लीजिएगा प्लेलिस्ट में कैसे जाते हैं किसी से, ठीक है। प्लेलिस्ट में चले जाइए, ये सारी चीज़ें मैंने अवेलेबल करा दी हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन का मतलब नीचे वीडियो क्लिक करेंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक, तो उसमें लिखा हुआ है, तो उसको देख लेना। तो ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से नोट्स बना करके। और फिर क्या है, जनरल साइंस के साथ मैंने कवर करा दी है, ठीक। तो जनरल साइंस आप देख लीजिए, जनरल साइंस में न्यूट्रिशंस पूरा पढ़ा दिया है, जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गुरु पोषक तत्व होते हैं, वो सारे मैंने कवर करा दिए हैं, ठीक। विटामिन स्टार्ट किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, मैंने बहुत डीप और बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसको समझाने की कोशिश की है। जो आपने पहले नहीं पढ़ा वो मैंने पढ़ाया है, पहले का मतलब मैंने नहीं पढ़ाया ऑफलाइन बेसिस में, या आपने अदर कहीं ये सारी चीज़ें न पढ़ी हो, तो वो मैंने जनरल साइंस में आपको कवर करा दिया है। जनरल साइंस में मैंने कार्बोहाइड्रेट कवर कराया, प्रोटीन कवर कराया, लिपिड, मतलब कि जो इसके पार्ट्स होते हैं लिपिड के, वसा वगैरह जो आप चाहते हो, वसा, फास्फोलिपिड, स्टेराइड, वैक्स, ये सारी चीज़ें कवर करा दी हैं, विटामिन के स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी। तो प्लीज़ जब तक अगर बीच में मेरी क्लासेस मिस होती हैं, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, इतना तैयार कर ही सकता हूँ ना, कि आप लोग मेरी क्लासेस देखते रहोगे, उसमें अपना प्यार देते रहोगे और आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहोगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं और क्लास में देखते हैं। चलिए भाई, क्लास में आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, मतलब बेसिक लेवल है, कभी कभी पूछ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका आप समझिए कि इसमें लॉजिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। ट्रिक जो लगती है, जो जनरली सब बताते हैं, वो भी बता देंगे, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझा देंगे आपको। सवाल में कहा है आपसे, किसी वस्तु को 144 रुपये बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब ये बताया है कि वस्तु को जब 144 रुपये बेच दिया, कितने बेचा भैया, 144 में बेच दिया, तो क्या होता है कि उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितने की वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना की वस्तु का क्रय मूल्य उतने प्रतिशत का। ये मान के चलो अगर 20% का लाभ हो गया तो वस्तु भी कितने की थी, 20 रुपये की थी। अगर 50 रुपये की वस्तु थी तो लाभ मुझे कितना हो गया, 50% का। क्लियर हो रही बात, 50% का लाभ हो गया। तो ये मान के चलिए वस्तु अगर आपकी 100 रुपये की थी, समझना, 100 रुपये की थी, तो इसका लागत मूल्य कितना था, 100%, यही तो हुआ। फिर जब हमने बेची, कितने की बेची, 144 की बेची, तो मुझे क्या हुआ, जब लागत मूल्य थी तो 100% था, लेकिन जब 144 की बेची तो उतना ही लाभ हुआ, उतना मतलब जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य कितना है, x, तो x क्या है, क्रय मूल्य मान लिया। तो हम क्या करेंगे, 100 में ऐड कर देंगे, लाभ में क्या होते हैं वैसा हम लोग ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा परसेंटेज, इतना परसेंट क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक। तो परसेंटेज अपने आप हट जाएंगे, कोई मतलब नहीं इसका बच्चा, ठीक। चलिए ये क्लियर हो गया यहाँ तक, मतलब कि अगर 20% का लाभ तो 120, अगर 50% का लाभ तो 150, अगर 50% की हानि तो 50 घट गए 100 से, अगर 20% की हानि तो 100 से 20 घट गए। क्लियर हो गया आपको, अब क्या करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, सब बताएंगे आपको, सारी चीज़ बताएंगे, समझना। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100x + x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मतलब कि द्विघात समीकरण, ये आपकी बन गई।
अब क्या करना, थोड़ा सा इसको सरल तरीके में लिख दीजिए, सब एक्स और माइनस और बराबर जीरो, कुछ इस प्रकार से बन गई। अगर ये आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, अब आप इसको सॉल्व करना जानते हो, करना है अब इनको करना है सॉल्व। तो इसको अगर हम गुणा करें, या गुणा करने पर जो आए तो कितना आएगा, ये आएगा 100, कितना 14400 एक्स स्क्वायर, इसको जब गुणा करेंगे इससे, फिर क्या करना, इनके गुणनखंड कुछ निकलेंगे, उनका गुणनखंड का अंतर कितना आए, 100 आए, तो आपको इसके गुणनखंड कर लेना है, इस प्रकार से सीख लेना है कि इस प्रकार से कटेंगे। तो अगर इसको हम काटें, ये मान के चलिए अगर हम 80 से इसको काट दें तो क्या बचेगा, 0 0 कट गया, 8 से काटो, 8 51 8 बचे कितने, 6 बचे 8 64, ये बचा 180। ठीक, तो ये देख लो 80 और 180 गुणा कर देंगे तो सेम यही चीज़ बन जाएगी। 80 180 का डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा 100, 180 से घटा दो 80, तो इसको हम लिख सकते हैं 180x - 80x, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, ये आपने सिंपल इस प्रकार से लिख दिया, ठीक, बराबर जीरो। इधर क्या करना है, इधर आपको एक्स स्क्वायर लिख देना है। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा करते हैं इसमें, क्योंकि आप ये समझिए बहुत ज़्यादा लंबा मेथड है, लंबा मेथड नहीं, आपको समझा रहे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। अब देखो यहाँ से आपको कुछ कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से कॉमन मिल गया x, यहाँ से कॉमन क्या मिला आपका, तो x तो हट ही गया ब्रैकेट बंद, यहाँ से मिल गया -80 आपने कॉमन ले लिया, बचा कितना, तो एक्स प्लस, यहाँ से माइनस चला गया तो प्लस बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 180 और बराबर जीरो। अब आप देख लो 180 यहाँ पर है, 180 यहाँ पर है, तो आपने 180 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 180 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, तो ये एक्स बचा और -80 बचा, तो एक्स -80 और बराबर जीरो। ठीक, इस प्रकार से बचा। अब क्या करना है, कंपेयर कर देनी, तो एक तो मान आएगा x बराबर माइनस का 180, दूसरा मान आएगा x बराबर प्लस का 80। ठीक, ये आ जाएगा जब कंपेयर करेंगे, इतना शायद आप जानते हो, मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ चुके होंगे कि ये द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। तो x का मान कितना आ गया, 80 आ गया, मतलब कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपका 80 रुपये था। क्लियर हुआ, ये तो हो गया, मैंने आपको बेसिक मेथड बता दिया, कॉन्सेप्ट बेस बता दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमको जल्दी में करना हो, मान के चलो 10-15 सेकंड के अंदर, तब क्या करें, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा इसको हम समझा दें आपको क्लियर करके, फिर आप उसी मेथड को लगाना, इसको मत लगाना। ठीक है, इसको मैंने बता दिया आपके एक समझ बनाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, चलिए कितना था, 144 था। जब कहे आपसे क्वेश्चन में उतने प्रतिशत का लाभ हो क्रय मूल्य पर, क्या कहा, 144 बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ हो, लाभ की जब बात करेंगे तो 144 के हम दो ऐसे गुणनखंड करेंगे, दो ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर क्या हो, 10 हो, तो 144 के गुणनखंड आप करो तो कितना आएगा, मान लो 2 से काट दिया, 2 से कटा 7, 2 से कटा 72, ठीक, फिर 2 से काटा 36, फिर 2 से काटा 18, ठीक है, 2 × 4 × 8, ये 8 और 18 का अंतर 10, तो एक तो गुणनखंड हो सकता 18, दूसरा गुणनखंड हो सकता 8। क्लियर है, ये 8 लिख दें अच्छे से, ये 8 हो गया, 8 18 का डिफरेंस आप निकालो तो कितना आएगा, 10। अब मुझे भी क्या चाहिए, अंतर कितना आए, 10 आए। अगर ये इतना आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों के साथ में आप 0 लगा दो, दोनों के साथ 0 लगा दो, छोटा वाला नंबर वही आपका आंसर। ठीक है, छोटा वाला नंबर वही आपका आंसर। अब ये कहाँ से निकाला, ये हमने निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, वहाँ पर भी तो यही करते थे, सिर्फ यहाँ पर क्या थे, 00 थे, उसी 00 को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंगल 0 लगाया। क्लियर है भाई, ठीक है, तो क्या कर दिया, सिर्फ छोटी वाली वैल्यू ली, जब बात कहे ये बात ध्यान रखना, उतने प्रतिशत का लाभ हो तब आपको क्या करना है, गुणनखंड का अंतर, गुणनखंडों का अंतर, ठीक है, गुणनखंडों का अंतर, गुणनखंडों का अंतर कितना होना चाहिए आपका, 10 होना चाहिए। बस ये चीज याद रखना, आपके सारे सवाल ऐसे लग जाएंगे। ठीक, कुछ शायद ही क्लास सीरियस हो, बाकी आगे देखते रहेंगे कैसा क्या है, हटा दे इसको। चलिए चलिए भाई, शेयर वेयर कर दीजिए, सब लोग आ जाइए, जो नहीं आए हैं वो पढ़ लीजिए आकर के, और बाकी वीडियो प्ले होने के बाद में आप बाद में देख सकते हैं। ठीक, इसको जितनी बार मन करे उतनी बार देख लीजिए। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल में कहा है किसी वस्तु को 171 में बेचने पर, पढ़िएगा आराम से, किसी वस्तु को 171 में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ।
तो वस्तु को कितने में, 171 रुपये में बेचने पर, समझ रहे हो बात को, 171 रुपये में बेचने पर, बिक्रय करने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है। तो उतने प्रतिशत का लाभ होता है तो इसको हम क्या कर दें, इसके कर दें गुणनखंड। तो 171 के गुणनखंड आप करोगे तो आप फैक्टर भी इस तरीके से करना सीख लो, 9 से काट दो। अच्छा पहले किससे काटे समझना, फिर ये भी बता दे आपको। अगर हम क्या 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से कब काटेंगे, जब लास्ट वाली संख्या आपकी 2 से कटने लायक हो, 0 हो तब कट जाएगी, या 2 से कटने वाली हो, 2 से कटने वाली लास्ट में 2 हो, लास्ट में 4 हो, सम संख्या जब भी होगी ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। 3 से कटेगी जब इन सबका योग 3 हो जाए, मतलब 3 से कट जाए, 7 1 8 1 9 तो 3 से कट जाएगी। तो मान लो चलो 3 से काट दिया, 3 से काटा, 3 5 15 और यहाँ बचा कितना, 2 3 7 21। फिर अभी कटेगा किससे, 7 5 12 और 12 3 से कटेगा, हाँ कटेगा 3 से, फिर काट दिया तो 19 3 57 हो गया, 19 3 3 9 और 19 19 और 9 का अंतर कितना है, 19 9 का अंतर क्या 10 है। अगर ये 10 आ चुका है, ये चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के आगे 0 लगाओ और छोटी वाली संख्या को आंसर बनाओ, समझ गए, क्लियर है। केवल कॉन्सेप्ट समझाना चीजों में, केवल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। क्या करा आपने, गुणनखंड किया, गुणनखंड करने पर जो फैक्टर का अंतर आएगा 10, तो छोटी वाली संख्या के आगे 0 लगाकर आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है भाई। चलिए चलिए अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में कहा है, पढ़ लीजिएगा आप, पढ़िएगा हम तक साफ कर दें, आपके सामने इसके ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 70 और चौथा ऑप्शन है 80। ठीक है, ये 50 थोड़ा बड़ा कर दें, ये इस प्रकार से है। तो आप देखिएगा सवाल में कहा है किसी वस्तु को 119 रुपये बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितने की वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितने के बेचने पर, 119, तो लग जाएगा क्या आराम से, 119 की बेची, जब 119 की बेची तो उतने प्रतिशत क्या हुआ, मुझको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब 119 की बेची तब मुझे लाभ हुआ तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसके आप फैक्टर निकाल लो। तो आप जानते हो कितना करें, तो इसका हम निकाल लो गुणनखंड। ठीक, देखो कितने से कटेगा, 9 1 10 1 11, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कोई चांस नहीं है, 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से वो कटेगा जो 2 से कटे या 3 से कटे। 7 से ट्राई कर ले, तो 7 से ट्राई किया, 7 1 7 बचा कितना, तो 7 4 11 4 मतलब 49, 7 7 49, 17 और 7 आ गए, 17 और 7 का अंतर, तो 17 और 7 का अंतर कितना आ गया, 10 आ गया। ये वाले आगे 0 लगाओ तो आंसर आप इसको बना दो, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, सी। ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या, अगर कोई समस्या नहीं तो आगे बढ़े भाई। ठीक, क्योंकि केवल सिखाना था और आप समझते हैं कि हम ट्रिक पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। अब ये ट्रिक आपकी है भी नहीं, क्योंकि ट्रिक क्यों नहीं है, कारण बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं ये, क्योंकि आपने इसका बेसिक फंडा समझा है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। ये द्विघात समीकरण के आधार बनती है, क्योंकि आप जब 100 रुपये की बेच रहे थे वस्तु को, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 100% था। फिर आपने जब 119 की बेची वस्तु को, तो आपको उतने प्रतिशत का लाभ हो गया जितना की वस्तु क्या है, क्रय मूल्य है। तो आपको कितना हो गया, 100 + x हो गया। अगर यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेशन करोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, द्विघात समीकरण बनाओगे, तब भी आपका आंसर वही आना है, क्लियर है। चलिए, तो उस क्वाड्रेटिक से बचने के लिए, उस फैक्टर से बचने के लिए मैंने डायरेक्ट फैक्टर कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट गुणनखंड कर दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में थोड़ा सा टाइप चेंज है। तो सवाल में क्या कहा है आपको, टाइप मैंने बताया था उतने प्रतिशत के लाभ हो तब लगाएंगे, इसको देख लीजिए। चलिए, इसमें कहा है, पढ़िए भाई आप लोग, सवाल में कहा है किसी वस्तु को 21 रुपये बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, कितने में वस्तु को बेचा है मैंने, 21 रुपये में, ठीक है, 21 रुपये बेचने पर उतने प्रतिशत क्या हो गई, हानि हो गई, है ना, उतने प्रतिशत की हानि हो गई। तो आप समझना, वस्तु का क्रय मूल्य मैंने पहले कितना माना था, 100 रुपये। जब वस्तु को 100 रुपये क्रय मूल्य था, मतलब लागत मूल्य उसकी 100% लगी थी। फिर वस्तु को मैंने बेच दिया, कितने की बेच दिया, 21 रुपये की। अब हो गया मुझको नुकसान, और कितना नुकसान हो गया, तो जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब कि 100 - x, क्लियर है। कुछ नहीं करना आपको, कैलकुलेशन कर देनी है सिंपल से, ये वाली यहाँ बराबर लगा था, ठीक। तो आपको क्या करना, तो यहाँ पर आ जाएगी 100x, समझ रहे हो चीज़ों को,
सौ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 2100। ठीक, ये आ गया 2100, ये माइनस का है उधर चला गया तो आपका बन जाएगा, मान लो उधर लेकर गया सपोज दैट 21 x2, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 100x, और ये तो ऑलरेडी आपका प्लस है ही 2100। क्लियर है, और बराबर आपका 0। अब क्या करना है, इसके गुणनखंड कर लेना है। तो 2100 के ऐसे गुणनखंड करो कि जिनको जोड़ने पर कितना आए, 100 आए। तो अगर 2100 के करें तो 70 और 30 का कर सकते क्या भला, 7×3 = 21, या 70 और 30 का गुणनखंड करो, 7×3 = 21 और 00 हो गया, और 70 और 30 100। ये तो आराम से ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी कर सकता था बेसिक माइंड में। तो इसको क्या कर सकते हैं, -70x समझना, -30x प्लस 2100 बराबर 0, यहाँ पर कितना है x2। देखो भैया, माइनस 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 की गुणा माइनस की क्या आएगा, प्लस आएगा, और 70 और 30 क्या आएगा आपका, समझ रहे हो कितना आएगा, 100 आएगा। अब इनकी गुणा कर दो तब 2100 प्लस का आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, और 7×3 = 21, और 10 ये 10 ये, तो कितना हो गया 20। क्लियर हुई, तो आपको फैक्टर कर देना था। इसमें क्या आप कॉमन मिल जाएगा x2, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स एक्स है, तो यहाँ आपने x केवल लिया, सॉरी x क्या कॉमन ले लिया, तो x माइनस 70। ठीक, यहाँ पर आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ आपको माइनस भी मिलेगा, और माइनस आपने ले लिया कॉमन है, लेकिन माइनस का कितना लिया आपने, 30 ले लिया। ठीक, तो माइनस का 30 लिया, तो सॉरी यहाँ पर आपका x लिखा था ऑलरेडी, मैं भूल गया बताना, माफ करना। तो यहाँ पर कितना आपने माइनस 30 ले लिया, कितना बचा x यहाँ पर माइनस का, क्योंकि माइनस ऑलरेडी जब निकला तो यहाँ पर कितना बचा आपका माइनस का, और 70 बराबर 0। ठीक, अब देखो x माइनस सत्तर दोनों जगह, तो आपने कितना ले लिया, x माइनस 70 ले लिया, और यहाँ कितना बचा, x बचा केवल, और कितना बचा माइनस का, 30 बचा, और बराबर 0 बचे। अब एक एक कंपेयर कर लो, तो x माइनस 30 बराबर 0 लिखा है, मतलब उधर गए तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा, समझना चीज़ों को। ऐसे x बराबर 70 है माइनस का, तो ये x माइनस 70 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो आंसर आपका ये भी सही है, ठीक है, और आंसर आपका जो है ये भी सही है, तो दोनों आंसर इसमें सही हो गए। ठीक, तो 30 भी सही है, 70 भी सही, जो आपकी इच्छा लगे वो कर दो, क्योंकि ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे, 70 भी मिलेगा 30 भी मिलेगा, 70 और 30 अलग अलग मिलेंगे। ठीक, तो आपके दोनों आंसर सही, क्यों सही है बता दें आपको, चलिए इसको हटा दें। आप देखना थोड़ा सा, मतलब सही है तो क्यों सही है और कैसे सही है, क्योंकि दोनों वैल्यू आपने लिया 70 और 30, मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, पहले बताया 70 और बाद में बताया 30, चलो हम ट्राई करते हैं। तो वस्तु का पहले लेकर चलते हैं 70 रुपये, 70 रुपये क्या थी, क्रय मूल्य था, तो लागत मूल्य कितना था उसका 100%। फिर मैंने वस्तु को कितने का बेचा, 21 का बेचा, तो मेरी क्या हो गई, यहाँ पर मुझे हानि हो गई, जब 21 का बेचा 70 रुपये की वस्तु, लागत मूल्य कितना था 100% था, जब 21 की बेची, ये परसेंटेज है भैया, जब 21 की बेची तब क्या हुआ, मुझे हानि हो गई, और कितनी हानि हो गई, जितना वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, मतलब 100 में से घट गया कितना, 100 में से घट गया 70, और कितना आया आपका 30 आ गया, ये क्लियर हुआ इतना। ठीक, 30% आ गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आया, तो आपका आया 10 बटे 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो भाई कट पाएगा, 3 से कटा, तो 3×7 = 21, नहीं 3 से नहीं 7 से काटो, 7 से कटा, 7×2 = 70, और 7×3 = 21, यहाँ भी कितना आ गया 10/3 आ गया। देखो ऑब्वियस सी बात, दोनों कट गया आपस में। ठीक, ऐसे अगर आप उसको रखोगे, 30 को रखोगे, क्योंकि आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस करनी है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप दूसरा देख लो मेथड क्या है, 30 आपने रख लिया, वस्तु क्रय मूल्य कितना 30, लागत मूल्य कितना है 100% है, आपने बेचा कितने का 21 का, 21 की तो बात की थी, 21 का बेचा, तो 21 का आपने जब बेचा तो आपको क्या हुआ, लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ, जितना वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब कि कितना हो गया आपको 70%। क्लियर है, अब क्या हो जाएगा, ये 0 कट गए, तो 10/7 आ गया आपका, यहाँ से देखो मान लो 3×3 = 30, और 3×7 = 21, कितना आया आपका 10/7, 10/7 आया, बैलेंस हो गई इक्वेशन आपकी, क्या हुई, कट गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम शॉर्ट वे में करें तो क्या करेंगे, चलो हटा दें इसको, शॉर्ट वे में अगर किया जाए, स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहे बता देना जरा भैया। अब देखो शॉर्ट वे में किया जाए तो आपको 21 है, 21 है, 21 के आपको कुछ नहीं करना, ऐसे फैक्टर कर लेना, ऐसे गुणनखंड कर लेना जिनका योग, जिनका क्या है योग, जब बात किया था हमने उतने प्रतिशत लाभ की, फिर से लिख लेते हैं इसी को, उतने प्रतिशत लाभ की,
तब हम लोग क्या करते थे, आपका आए अंतर 10। दूसरी कंडीशन ये बनती है जब कह दें आपसे उतने प्रतिशत हानि की, तब क्या होगा इसमें, तब इसमें आएगा अंतर कितना 10। किसका अंतर, तो अंतर यहां पर किसका है, यहां पर जो है सॉरी यहां पर अंतर की बात नहीं, यहां पर होगा योग, योग 10। और किसका, सब गुणनखंडों की बात है, गुणनखंड ठीक, यहां पर भी क्या है गुणनखंड, तो गुणनखंडों का योग यहां पर 10 आए, हानि में योग 10 गुणनखंडों का और लाभ में गुणनखंडों का अंतर 10 ठीक। तो 21 के गुणनखंड ऐसे कर लो, क्या आ जाए 21 तो 21 और 1 ऐड कर तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 7 + 21 तो 7 + 3 = 21, 7 और 3 का योग करो 7 × 3 = 10, तो आप ही सेटिस्फाई हो गए देखो, तो 7 × 3 = 10 मतलब इसके आगे भी एक जीरो लगा दो, इसको आगे भी जीरो लगा दो, तो आपके आंसर दोनों हो गए, 70 भी हो गया और 30 भी हो गया, यही आपके क्या आ रहे थे ऑप्शन आ रहे थे, क्लियर है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़े, अगला सवाल देखो भैया नेक्स्ट, इसमें कहा है आपसे एक ही लगा देना दूसरा आपको बता देंगे, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करो, तो ये सवाल आप पढ़ लीजिए, इसको लगा दीजिए, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। ऑप्शन आपको दे रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है कितना वस्तु को बेचा है 100 रुपये में, तो पहला है आपका 160 और 10, दूसरा ऑप्शन है 80 20, तीसरा ऑप्शन है 70 और 30, और डी ऑप्शन है 40 और 40, ये आपके हैं ऑप्शन ठीक है। तो इसको लगा देना, लगा करके बता देना। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, ये लास्ट सवाल है, इसी के आगे आप क्लास की हो जाए आपकी एंड हो जाएगी। चलिए अगला सवाल क्या आता है आपको, किसी वस्तु को 25 रुपये बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करो, कितने वस्तु को बेचा है, तो वस्तु को बेचा है 25 रुपये में, क्या करना है, उतने प्रतिशत की हानि होती, वस्तु को बेचने पर हानि हो गई, तो हानि हो गई तो गुणनखंडों क्या हो जाएगा, योग या अंतर, हानि की बात की तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, योग की बात करेंगे, तो 25 का गुणनखंड कर दो, 25 5 5 10, इसके आगे 0 इसको आगे 0 दोनों 0 हो गए, तो आंसर कितना आ गया 50 50, वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 50 रुपये, क्लियर हो गया। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, बता दीजिए, लाइक करने का मतलब ये हम समझ जाएँ कि आपको पसंद आई अच्छी लगी ठीक है। बाकी आपको मिलते हैं आने वाले, जब भी आपके सामने आएंगे तो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।